हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना जोशी। कोड नंबर 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री में हम जो क्वांटम नंबर का जो टाइप था फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में पूरी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम सेकेंड टाइप की जो क्वांटम नंबर है उसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सेकेंड क्वांटम नंबर है उसे हम कहते हैं एजिमुथल और सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसका क्या नाम है? द्विगंशी या गौण या द्वितीय क्वांटम संख्या। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? द्विगंशी या गौण या द्वितीय क्वांटम संख्या। इंग्लिश में एजिमुथल और सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर का जो फर्स्ट पॉइंट है वह क्या है? सबसे पहला, इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिस क्वांटम नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल एल, दैट मीन्स इस डिनोशन इज स्मॉल एल। दूसरा, हमने देखा कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी वो किसके बारे में बताती है? किसी भी इलेक्ट्रॉन से संबंधित कोश को, शेल को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। लेकिन ये क्वांटम संख्या क्या बताती है? कि अ शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल, दैट मींस इट गिव्स द नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन द मेन शेल। अर्थात किसी भी कोश में मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बता रही है? मुख्य कोश शेल्स के एलिमेंट के बारे में। लेकिन ये क्वांटम संख्या बताती है किसके बारे में? कि जो शेल है, कोश है, उसमें उपकोश उपस्थित होते हैं। अर्थात यह क्वांटम संख्या किसी भी मुख्य कोश में उपस्थित उपकोशों की संख्या को व्यक्त करती है। तीसरा क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा कि दिस क्वांटम नंबर गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सबशेल। ये क्वांटम संख्या किसी भी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को जो है वो ज्ञात करने में सहायक होती है। कैसे? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन करना है तो क्या सूत्र होगा? अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई। एल की वैल्यू अगर हमें पता है तो यहां पर हम एल की वैल्यू पुट कर देंगे और एच जो है वो प्लैंक कॉन्स्टेंट है जिसका मान होता है 6.62 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, तो इसे कैलकुलेट करके इस प्रकार हम एंगुलर मोमेंटम डिटरमाइन कर सकते थे। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को निर्धारित करने में ये क्वांटम संख्या हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? कि ये जो क्वांटम संख्या है वो किसी भी कोश में उपस्थित उपकोश के विभिन्न प्रकार के आकृति के बारे में भी बताती है। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप्स ऑफ द वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल। मतलब के एलिमेंट में क्या प्रेजेंट है? सबशेल्स। उनकी जो वेरियस अलग अलग प्रकार की जो आकार है उसके बारे में भी ये क्वांटम संख्या बताती है। इसके जो अनुमत मान है जो वो क्या होंगे? 0 से n-1। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से समझना कि इसकी जो परमिटेड वैल्यू क्या क्या मान हो सकते हैं इसके? 0 से n-1, अर्थात इसका मान n के मान से हमेशा 1 कम होगा। कभी भी इसका मान n के बराबर नहीं हो सकता। ये पॉइंट हमेशा टू बी नोटेड। l कैनॉट बी इक्वल टू l, n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। n का मान हमेशा एल की तुलना में 1 कम होगा। 0 से शुरू होगा और 1 से कम होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि एल के जो कुल मानों की संख्या है वो कितनी होगी? जितना एन है।
अर्थात अगर n का मान अगर 1 है तो इसका मतलब l के कितने मान संभव होंगे, केवल एक। n का अगर मान 2 है तो इसके कितने मान संभव होंगे, 2। इसको मैं इस एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहती हूं। फॉर द फर्स्ट शेल, तो पहला कोश है हमारे पास वो क्या है, n बराबर 1। हमको पता है कि फर्स्ट शेल जो क्या होता है, k कोश, और इसके लिए n की वैल्यू कितना होती है, 1। फॉर द k शेल द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 1, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं। अब आपको n इक्वल्स टू 1 और k शेल के लिए अब आपको l निर्धारित करना है। तो मैं चूंकि पहले ही बता चुकी हूं कि अगर जो l के जो संभावित मान होंगे, कितने मान संभव होंगे, जितना n है, चूंकि k कोश में n का मान 1 है तो इसका मतलब जो l की वैल्यू कितनी होगी, केवल एक होगी। k कोश में क्या होगा, यहां अगर अपन पुट करें 0 to n-1, तो n की जगह आप 1 लिखिए तो कितना हुआ, 1-1 0। इसका मतलब k कोश में l का मान केवल एक होगा और वह मान होगा 0। क्या होगा, l के जो k कोश है उसमें l की वैल्यू केवल एक होगी। l कैन हैव ओनली वन वैल्यू, दैट इज 0। ये आ गया यहाँ पे, n की वैल्यू है 1 यहाँ पे, तो l का मान हो गया 0, तो अर्थात केवल एक ही मान होगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे l शेल है, l कोश। अब l कोश में n की वैल्यू कितनी है पता है अपने को, l कोश के लिए 2 होता है, तो यहाँ पे आप 2 पुट करो तो 2-1 कितना आएगा, 1, अर्थात 0 to 1। तो 0 to 1, तो इसका मतलब 0 और 1। तो यहां पर आ जाइए आप वापस कि l के कितने मान संभव है, जितना n है, और चूंकि आपने कहा n का मान कितना है, 2, अर्थात l के कितने मान होंगे, 2, तो वो कौन कौन से मान हो गए, एक तो मान हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया, 1। 0 to 1 बोला अभी, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई 0 और 1, अर्थात जो l कोश है उसमें उसके लिए l के कितने मान होंगे, 0 और 1। इसी प्रकार m कोश पे आ जाइए, इसके लिए n की वैल्यू 3, अर्थात यहाँ l के कितने मान होंगे, 3। अब कौन कौन से होंगे वो आप यहाँ पुट करिए, 3-1, इसका मतलब 0 से लेके 2, तो 0 से 2 तक जाइए काउंट करिए, 0, 1, 2, 0, 1, 2, अर्थात इसके लिए कितनी वैल्यू हो गई, जब m हमारे पास अगर m शेल हो तो l की कितनी वैल्यूज हो गई, 0, 1, 2, ये 3 मान हो गए। इसी प्रकार हमारे पास अगर n है, n कोश है, n शेल, तो 4, अर्थात l के भी कितने मान होंगे, 4, यहाँ पुट करिए आप 4-1, तो 0 to 3, तो कौन कौन सी वैल्यूज होगी, 0, 1, 2, 3। इस प्रकार यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी पूछे कि k शेल के लिए l के कितने मान होंगे, l शेल के लिए कितने होंगे, m के लिए कितने होंगे, n के लिए कितने होंगे, तो आप इजीली यहाँ पे इसको बता सकते हैं। यहाँ पे अब ये जैसे अब अपने यहाँ पे तो देख लिया कि k कोश के लिए अब आपने क्या कहा, l के कितने मान होते हैं, केवल एक, और वो भी कितना होता है, 0। क्या होता है, 0। तो अब आप ये मैंने अलग से पहले बताया, फिर मैं वापस पिछले टॉपिक पे आती हूँ कि ये हमेशा याद रखना कि यदि l का मान 0 हो तो ये कौन से उपकोश को व्यक्त करेगा, s। जैसे हमने अभी पिछली जो क्वांटम संख्या थी उसमें हमने क्या कहा था, k एलिमेंट थे, n1 था k शेल, l2 था तो l, तो वो तो थे कोश। और इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि ये जो क्वांटम संख्या है वो किसको व्यक्त करती है, उपकोश को, सबशेल को। द एजिमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्रेसेस द सबशेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो यहां पर यदि l का मान 0 है तो इसका मतलब कौन सा उपकोश होगा, s, ये हमेशा याद रखना। और l का मान अगर 1 है तो कौन सा उपकोश होगा, p। l का मान अगर 2 है तो कौन सा उपकोश होगा, d। l का मान 3 है तो कौन सा उपकोश होगा, f। तो फॉर l इक्वल्स टू 0 देयर विल बी s सबशेल, फॉर l इक्वल्स टू 1 देयर विल बी p सबशेल, फॉर l इक्वल्स टू 2 there will be d subshell, and for the f subshell the value of l is equals to 3। ये सारा उसके बारे में है। तो अब यहाँ पे ये हो गई चारों,
0123, ये यहां तक लर्न रखना है आपको। ये एक बार याद हो गया तो आप इसके जो ऊपर बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में या जिसमें भी, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां अपन ने देखा था कि के शेल में, अब आपने कहा था कि के शेल के लिए एन की वैल्यू वन है तो के शेल है, के शेल के लिए एन एल की वैल्यू आपने कितनी डिटरमाइन करी, ओनली वन, दैट इज जीरो। और अभी आपने लर्न किया था कि एल अगर जीरो होता है तो कौन सा सबशेल होगा, एस, दैट मींस इन के शेल ओनली वन सबशेल एस इज प्रेजेंट, क्योंकि के शेल में केवल एल की वैल्यू एक, एल जीरो है। और अभी आपने देखा कि एल अगर जीरो होगा तो क्या होगा, उपकोश एस, अतः के कोश में केवल एक उपकोश होता है, वो कौन सा होगा, एस। इस प्रकार जो प्रिंसिपल सेल जो के होगा उसमें एक ही उपकोश होता है, कौन सा होगा, वो एस उपकोश। इसी प्रकार जो सेकंड शेल है, एल शेल होता है, एल कोश, उसके लिए एन की वैल्यू टू। अपन पहले ही कर चुके हैं कि एल कोश के लिए जो जो एल की वैल्यूज होगी वो कितनी होगी, जीरो और वन। तो जीरो और वन है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर कितने सबशेल हो सकते हैं, दो। जीरो के लिए कौन सा होगा, एस, और वन के लिए क्या होगा, पी। तो इस प्रकार अगर कोई आपको पूछे कि एल कोश में कितने उपकोश उपस्थित होंगे तो आप इसको इजीली कर सकते हैं कि अब आपको सबसे पहले देखिए एल शेल, तो सबसे पहले इसमें आप में आपके माइंड में ये आना चाहिए कि एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, एन इक्वल्स टू टू। तो एन इक्वल्स टू टू है तो इसका मतलब टू अगर एन है तो एल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, जीरो टू एन माइनस वन पुट करके आप दे सकते हो कि जीरो और वन दो वैल्यूज होंगी, और जीरो के लिए एस सबशेल होता है और वन के लिए क्या होता है, पी सबशेल। तो इस प्रकार एल शेल के लिए कौन कौन से सबशेल होंगे, एस और पी। सिमिलरली तीसरा जो शेल होगा एम, उसके लिए एन इक्वल्स टू थ्री होगा, तो एल की कितनी वैल्यूज होती है हमें पता है, थ्री होती है, कौन कौन सी होगी, वो जीरो वन टू। और जीरो के लिए अब आप बता चुकी हूं मैं, एस उपकोश, पी उपकोश और डी उपकोश, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, अर्थात इन एम शेल देर आर थ्री सबशेल्स, दे आर एस पी एंड डी। सिमिलरली फॉर द फोर्थ एन शेल, चौथे एन कोश के लिए एल की कितनी वैल्यूज है, फोर, जीरो वन टू थ्री। तो इसके लिए इसका मतलब एल कोश में कितने उपकोश प्रेजेंट है, कितने हो गए सब शेल, एस पी डी एफ, चार उपकोश प्रेजेंट है एन शेल में। ये तो हो गया कि कैसे शेल में अपन सब शेल जो है वो काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, किसी भी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एनी सब शेल। अगर कोई आपको पूछे तो ये सिंपली फॉर्मूला है 2 × 2l + 1। अगर आपको डायरेक्ट बताना है कि एस में कितने होंगे, पी में कितने होंगे, डी में कितने होंगे, एफ में कितने होंगे, तो आपको पता है कि एल का मान एस के लिए जीरो होता है, तो आप यहाँ पे एस का अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ जीरो पुट करो, तो ये कितना हो गया, कितना आ गया, ये जीरो, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए एस में, टू। सिमिलरली अगर कोई आपको पी सबशेल में पूछे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे पी उपकोश में, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, कितना पुट करोगे, वन, तो 2 × 1 = 2 + 3, ये हो गया 3 × 2 = 6, अर्थात पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल कितने होंगे, फॉर डी सबशेल वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू टू, यहाँ पे टू पुट करिए, 2 × 2 = 4 + 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 10। और एफ के लिए अगर 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 14। इस प्रकार एस में कितने हो गए, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये जो नाम है एस पी डी एफ, दे आर टेकन फ्रॉम द स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसका मीनिंग है सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, और इनका एनर्जी ऑर्डर है S < P < D < F।